आज का वरदान अशांति व हंगामों के बीच शांति कुंड की अनुभूति कराने वाले शांति स्वरूप भव। आइए इस वरदान का स्वरूप बने। ओम शांति। ये दुनिया आवाजों से भरी है, इस देह में आवाजें हैं, हर घर में, हर गली में, हर छोटे बड़े स्थान में, मनुष्य के मन में, हर कर्म में आवाज है। आक्रोश का माहौल, युद्ध के नगाड़े विश्व में बढ़ते जा रहे हैं। महसूस करें चारों ओर बढ़ती आत्माओं की रोष की भावना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की भावना, धर्म के नाम पर, संपत्ति को लेकर, तत्वों के बंटवारे को लेकर, हर ओर हंगामे हो रहे हैं और ये सृष्टि अपने अंतिम चरण की ओर, अंतिम युद्ध की ओर बढ़ती जा रही है। ये समय की पुकार तत्वों की पुकार ध्यान से सुने। सभी शांति देवा कहकर उस परम पिता शांति के सागर को पुकार रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं और वो शांति दाता शिव बाबा हम आत्माओं को स्वदेश स्वधर्म की स्मृति दिलाकर हमें विश्व कल्याण के लिए शांति की शक्ति दे रहे हैं। अनुभव करें शांति के सूर्य शिव बाबा को, और उनसे निकलती शांति की अनंत किरणें मुझ आत्मा के भीतर गहरे मन के हर
हर संकल्प में बुद्धि और संस्कारों में भरती जा रही है, स्वीकार करते जाए, एकदम गहरी शांति मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति के सागर की संतान शांति धाम की रहवासी शांति दूत हूं। मास्टर शांति का सागर हो, स्मृति में लाए और अंतर की शांति से चारों ओर शांति की तरंगे संपूर्ण मस्तिष्क में एक एक अंग में पैरों के तले तक शांति जैसे रक्त की एक एक बूंद में मेरी हर श्वास में शांति समाती जा रही है। मुझ शांति कुंड की असीम शांति की तरंगे चारों ओर शांति का वायुमंडल बना रही है। संपूर्ण प्रकृति सर्वात्माओं में शांति ही शांति अखंड शांति फैलती जा रही है। फील करते जाए सबको स्वधर्म की अनुभूति कराते जाए मैं शांत स्वरूप शांति कुंड की प्रत्यक्षता स्वरूप हो अनुभव करते जाए और मनसा द्वारा शांति का दान देते जाए। शांति।